बिग बॉस 17 का जल्द ही ग्रैंड फिनाले होने वाला है और अब सभी घर वालों ने अपने गेम में सुधार करना शुरू कर दिया है। हालिया वीकेंड का वार में काफी ट्विस्ट से भरा था क्योंकि सलमान खान ने घर वालों को ईशा मालविया और समर जुड़ेल के बारे में बताया, जिसकी वजह से अभिषेक कुमार अपना आपा खो बैठे थे। हाल ही में बिग बॉस 17 के लेटेस्ट प्रोमो में अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बीच एक और लड़ाई होती दिख रही है, जिसमें अंकिता ने विकी जैन के साथ रहने के अपने फैसले पर पछतावा होने का खुलासा किया। दरअसल बिग बॉस 17 में विकी और मनारा चोपड़ा के बीच काफी नजदीकियां बढ़ रही है, जिससे अंकिता काफी परेशान है। मनारा संग बढ़ती नजदीकियों को देख अंकिता ने गुस्से में विकी से कहा, अचानक मनारा तुम्हारे जीवन में आई, तुम उसे बहुत पसंद करते हो और तुम्हें उससे बात करने में भी मजा आता है, जारी रखिए इन सब चीजों को, बड़ी दोस्त बन रही है ना तेरी, निभा अपनी दोस्ती, मैं अगर सोच समझ कर शादी का निर्णय लेती तो शायद ये नहीं होता। फिर विकी उनसे पूछता है कि किसी से दोस्ती करने में क्या बुराई है। बाद में गार्डन एरिया में विकी अंकिता से कहता है कि वह हमेशा अपनी राय से उनके दोस्तों को दूर कर देती है। अंकिता ने गुस्से में उससे दोस्ती जारी रखने के लिए कहा। किचन एरिया में दोनों एक बार फिर झगड़ने लगते हैं। अंकिता लोखंडे विकी से कहती हैं कि उसका उसे मारने का मन कर रहा है। विकी ने जवाब देते हुए कहा, इसलिए एजुकेटेड होना जरूरी है। अंकिता उससे कहती है कि वे अपने लिए एक और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ लें। वे आगे कहती है कि अगर मैं भी सोच समझकर फैसला लेती तो ये नहीं होता। इस पर एक्ट्रेस गुस्से में आ गई और रोते हुए वहां से चली गई। बाद में अंकिता लोखंडे परेशान होकर रोने लगती है। जब विकी अंकिता के पास आते हैं तो वे उसे बताते हैं कि उसके लिए उसका प्यार खत्म हो गया है। विकी उसे बताता है कि उसने उससे शादी की है, उसका गुलाम नहीं है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करिए इंस्टा फीड को।